वहीं कल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बहुजन सभा भीमान रैली का आयोजन होने जा रहा है और इस दौरान भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बड़ी दहाड़ लगाएंगे। भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी की तरफ से कई दिनों से इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर, छतरपुर जिले के अंदर बहुजन सभा भीमान रैली का आयोजन किया जाएगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम छतरपुर के इलाके में आती है और यहाँ पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम ने पिछले दिनों दलित परिवार के घर में जाकर शादी के दौरान पीड़ित परिवार को धमकाया था, डराया था और उन्हें गाली गलौज की थी, बंदूकें लहराई थी, अवैध असले लहराए थे। इस मामले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और उस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि अगर बाबा के भाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया और तुरंत ही उन्हें जमानत दिलवा दी गई और चंद्रशेखर आजाद का इस मामले में कहना है कि पुलिस एक मामले में एक बार गिरफ्तार करती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता 17 तारीख को जवाब मांगेंगे, उससे पहले ही यह सब कुछ करवा दिया जाए। दरअसल जो भी हो, कल आपको बता दें कि इसी मामले के अंदर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम है वो कर सकती है और छतरपुर के अंदर जो मेला ग्राउंड है उसके दौरान छतरपुर के मेला ग्राउंड में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित है वो किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी हैं और साफ तौर से देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की में उमड़ने वाला जनसैलाब भी काफी कुछ बयां करता है। दरअसल अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग उमड़ते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि एक तरीके से मध्य प्रदेश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काफी मजबूत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में भीम आर्मी कितना प्रभावित यहां कर पाती है। मिलेंगे अपडेटों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।